अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में 52 साल बाद माथुर वैश्य 36वें अधिवेशन का आयोजन राजा के ताल स्थित एफएम रॉयल में किया गया, जहां पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों से माथुर वैश्य समाज के लोग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शपथ ली। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के लोग पहुंचे हैं। इस अधिवेशन में क्या क्या कार्यक्रम हुए इस बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, आप खुद सुनिए क्या कहा। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। फिरोजाबाद में युवा दल का ये सम्मेलन हो रहा था। हमारे यहाँ महासभा में 3 अध्यक्ष चुने जाते हैं, एक पुरुषों का जिसका मैं हूँ, एक महिलाओं का जिसकी अध्यक्ष दीपिका जी हैं, और एक युवा दल का जिसके अध्यक्ष आकांक्ष मेहरोटिया। सचिन गुप्ता है नहीं, विवेक गुप्ता फिरोजाबाद। यहाँ पे हम लोग पिछले कार्यों के लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करते हैं, नए पदाधिकारियों की शपथ दिलाते हैं, उनकी शपथ हो गई, और क्या नई योजनाएं हैं, हर अध्यक्ष क्या नई योजनाएं लाता है वो बताता है, यहां से अप्रूव कराता है, फिर उन योजनाओं को हम सभी 3 अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में मिल के सामंजस्य बैठा के उस कार्य को अंजाम देते हैं। और इस अधिवेशन में डीप साउथ कन्याकुमारी से आए हैं, वो गुजरात से आए हैं, इधर गुवाहाटी से लोग आए हैं नॉर्थ में, और ऊपर देहरादून, मुरादाबाद, संभल, दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश, बंगाल, करीब करीब 26 की में से 3-4 प्रदेशों के लोग छोड़ के सभी लोग आए हैं, और टोटल हम लोगों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ लोग आज भी करा रहे हैं, अब तक हम लोग 5,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन कल कर चुके थे, आज की गिनती मुझे अभी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस अधिवेशन जी। जी सर, अगर राजनीतिक पार्टी की देखी जाए 2 महीने बाद चुनाव है, सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, या कोई अन्य दल या आपका अपना है जो वहां वोटिंग करेंगे? हम लोग सामाजिक संस्था है, हम लोग किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल से बंधे हुए नहीं हैं, ना हर इंडिविजुअल फ्री है कि जिस राजनीति जाए, लेकिन महासभा के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक संयोजक राजनीतिक बना रहे हैं, 3 क्षेत्रीय संयुक्त संयोजक बना रहे हैं, और अपने 12 मंडल हैं वहाँ एक एक संयोजक बना रहे हैं, और निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी हमारी शाखा सभाएं हैं वहाँ भी एक एक संयोजक बनाएं, क्योंकि राजनीति में हर राजनीतिक दल हम लोगों से पैसा लेता है, और हमारा कोई भी पिछले 10 साल से न तो सांसद बना है न विधानसभा का मेंबर बना है, इसके पहले बनते थे, हम लोगों को यह धन लेते हैं, सहयोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत, जो वैश्य कम्युनिटी है ये बहुत संगठित नहीं है, तो हम लोग अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम सभी दलों में जो
क्षेत्र में आएगा, हमारे समाज का होगा, हम उसका तन मन और धन से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी।